द्रौपदी का जन्म। पांडवों को एक चित्रा नगरी में रहते कुछ काल व्यतीत हो गया तो एक दिन उनके यहाँ भ्रमण करता हुआ एक ब्राह्मण आया। पांडवों ने उसका यथोचित सत्कार करके पूछा, देव आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, मैं महाराज द्रुपद की नगरी पांचाल से आ रहा हूँ। वहाँ पर द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर के लिए अनेक देशों के राजा महाराजा पधारे हुए हैं। पांडवों ने प्रश्न किया, हे ब्राह्मणोत्तम, द्रौपदी में क्या क्या गुण तथा विशेषताएं हैं? इस पर ब्राह्मण बोला, पांडवगण, गुरु द्रोण से पराजित होने के उपरांत महाराज द्रुपद अत्यंत लज्जित हुए और उन्हें किसी प्रकार से नीचा दिखाने का उपाय सोचने लगे। इसी चिंता में एक बार वे घूमते हुए कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी भेंट याज तथा उपयाज नामक महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों से हुई। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर लिया एवं उनसे द्रोणाचार्य के मारने का उपाय पूछा। उनके पूछने पर बड़े भाई याज ने कहा, इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको वे महान बलशाली पुत्र का वरदान दे देंगे। महाराज ने याज और उपयाज से उनके कहे अनुसार यज्ञ करवाया। उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक ऐसा पुत्र दिया जो संपूर्ण आयुध एवं कवच कुंडल से युक्त था। उसके पश्चात उस यज्ञ कुंड से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसके नेत्र खिले हुए कमल के समान देदीप्यमान थे, भौहें चंद्रमा के समान वक्रती तथा उसका वर्ण श्यामल था। उसके उत्पन्न होते ही एक आकाशवाणी हुई कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के सहार और कौरवों के विनाश के हेतु हुआ है। बालक का नाम धृष्टद्युम्न एवं बालिका का नाम कृष्णा रखा गया। द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास भेज दिया और द्रोणाचार्य अपनी समस्त शत्रुता को त्याग कर उस बालक को विद्या प्रदान करने लगे। बालिका अब युवा होकर अत्यंत लावण्यमय हो गई है और उसी का स्वयंवर होने वाला है। उस ब्राह्मण के प्रस्थान करने के पश्चात पांडवों से भेंट करने वेदव्यास जी आ पहुंचे। वेदव्यास ने पांडवों को आदेश दिया कि तुम लोग पांचाल चले जाओ, वहां द्रुपद कन्या पांचाली का स्वयंवर होने जा रहा है। वह कन्या तुम लोगों के सर्वथा योग्य है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने भगवान शंकर की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे अगले जन्म में 5 उत्तम पति प्राप्त होने का वरदान दिया था। वह देवी स्वरूपा बालिका सब भांति से तुम लोगों के योग्य ही है, तुम लोग वहां जाकर उसे प्राप्त करो। इतना कहकर वेद व्यास वहां से चले गए।